गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण में इसके पहले जो है हमने परमाणु के सिद्धांत को आपको स्पष्ट किया था और ये भी बताया था कि भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम जो है इसकी परिकल्पना की थी और उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से जो है किसी भी तत्व को किसी भी एलिमेंट्स को जब हम कई पार्ट्स में तोड़ते हैं तो एक ऐसी जाती है कि हम उसके अन्य पार्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब हम उसके आगे की परिकल्पना को देखते हैं या फिर उस पर शोध जब किया गया तो यह पाया गया कि एक नाभिक होती है, उस नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि उसके और भी पार्ट होते हैं, यानी कि उसका जो सूक्ष्म कण होता है वह मुख्य रूप से जो है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिवाइड है। उसी के आधार पर जो है आधुनिक परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना की गई, अर्थात उसी के आधार पर जो है आधुनिक परमाणु सिद्धांत को स्पष्ट किया गया बताया गया, जिसमें यह चीज बिल्कुल क्लियर कर दिया गया जो हम इससे पहले कहते थे कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है, यानी उसको विभाजित नहीं किया सकता, लेकिन परमाणु विभाज्य है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उपस्थित होते हैं और नाभिक बहुत ही छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ क्या करते हैं परिभ्रमण करते रहते हैं अर्थात उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जब सिद्धांत की बात होती है तो विद्वान जो है या वैज्ञानिक जो होते हैं अपनी अलग अलग परिकल्पना को साइंटिफिक रूप से जो है प्रदर्शित करने का या सिद्धांत को जो है उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उस पर कई प्रयोग करते हैं, कई रिसर्च करते हैं और बाद में ये चीजें जो है वो तथ्य सामने आती है। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया एक ही तत्व के सभी परमाणु का परमाणु भाग भी हो सकता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था सिद्धांत में जिसमें मैंने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु का परमाणु भाग समान होता है, जबकि इसमें कहा गया कि परमाणु भाग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्लोरीन का और क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वह 35 किलो का और 37 किलो का है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के जो परमाणु भार होते हैं 1, 2 और 3 होते हैं, अर्थात ये डिवाइड किया गया है इसमें प्रोटियम में ड्यूट्रियम में और ट्राइट्रियम में। प्रोटियम का 1, ड्यूट्रियम का 2 और ट्राइट्रियम का जो होता है परमाणु भार 3 होता है। अब तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं। जैसे कि अलग अलग तत्व हमारे पास है, हमारे पास एलिमेंट्स भिन्न भिन्न तरीके के हैं जो जिनके गुण जो होते हैं क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, तो उसमें जो है उसका परमाणु भार समान हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ऑर्गन और कैल्शियम दोनों तत्व अलग अलग है, इनके गुण भी डिफर होते हैं, लेकिन जब परमाणु भार की परिकल्पना की जाएगी परमाणु भार को बताया जाएगा तो इसका परमाणु भार कितना होता है 40, अर्थात ऑर्गन का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। अब अगला पॉइंट जो है यौगिक अणु है, यानी कि जिसे हम कहते हैं यौगिक क्या है एक प्रकार का अणु है वह उसी के आधार पर इसको जो है प्रदर्शित किया गया है। अब जो है जो पांचवा पॉइंट है उसमें कहा गया है कि तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, अर्थात इसके पहले की जो परिकल्पना की गई थी या इसके पहले जो बताया गया था वह परमाणु भार के आधार पर स्पष्ट किया गया था, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं तो उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो जो तत्व का मूल लक्षण होता है वह किस पर डिपेंड हो गया परमाणु क्रमांक पर डिपेंड हो गया, अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वह डिफर होते हैं वह अलग अलग होती है। छठवां पॉइंट देखिए परमाणुओं को उत्पन्न नहीं कर सकते, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, हम किसी तत्व को जो है न तो उत्पन्न कर सकते न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि परमाणुओं को उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आप ब्रैकेट में क्या लिखा है न्यूक्लियर फिजन, यानी कि परमाणुओं को उत्पन्न भी नहीं किया सकता और न ही परमाणुओं को नष्ट किया सकता, ये दोनों परिकल्पना बताई गई है। लेकिन होता क्या है इसमें है अब इस चीज को देख लीजिए, चूंकि न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन का मतलब कि नाभिकीय
विखंडन संभव है, अर्थात उसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके चारों तरफ परिभ्रमण करते रहते हैं, अर्थात उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु को तो न तो उत्पन्न करते हैं और न ही नष्ट करते हैं, लेकिन नाभिकीय विखंडन के द्वारा क्या होता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। अब आठवां पॉइंट मैंने कहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा ही क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटाई जा सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वो इसके पहले जो अगर फोर्म ने दिया या डॉल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसी के बेस पे उसमें संशोधित प्रारूप को जो है ये प्रदर्शित करता है। अब आ जाइए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे, जब हम परमाणु की परिकल्पना करते हैं तो परमाणु जो होता है ऐसा होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात परमाणु है रासायनिक अभिक्रिया में कैसे भाग लेता है, क्योंकि हम परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसलिए ये जो है यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, और अणु क्या होता है, अणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो इस प्रकार की परिकल्पना को प्रदर्शित किया गया, ये अणु जो होता है किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक का क्या होता है, एक सूक्ष्मकण यानी कि सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसमें जो है विभिन्न प्रकार से जो है इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन किसी भी प्रकार का जो है नहीं होता, जबकि